नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली थी, जहां पर लगभग 27 से 28 विपक्षी दलों का महाजुटान था। और अगर आप सारे नेताओं की स्पीचेस देखें तो सारी स्पीचेस में एक ही बात कही गई कि अब हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो यही है कि कैसे हमारे लोकतंत्र को बचाया जाए, कैसे संविधान को बचाया जाए। और जो मूल बात एक लोगों को समझाने की कोशिश सारे नेताओं ने की वो यही था कि अगर आपका संविधान बचेगा तो लोगों के मौलिक अधिकार बचेंगे, अगर संविधान बचेगा तो आरक्षण बचेगा, अगर संविधान बचेगा तो लोगों में जीने की उम्मीद बचेगी। और आज मोदी सरकार अगर वापस तीसरी बार सत्ता में आती है तो संविधान देश से छिन जाएगा। वो किस रूप का संविधान लेकर आएंगे ये पता नहीं है, तो यही गुहार सारे नेताओं ने लगाई। अगर उद्धव ठाकरे से मैं शुरुआत करूं तो उद्धव ठाकरे ने तो आज एक बहुत ही बड़ा नारा दे डाला, अब की बार बीजेपी तड़ी पार। और उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल अपने गुनाह छिपाने की कोशिश करती है। उधर महबूबा मुफ्ती ने भी यही बात कही कि संविधान को किस तरीके से बचाना है। जेएनके एक प्रयोगशाला है बीजेपी के लिए, और जिस तरीके से वहां पर लोगों को बंद करके और उनके साथ अत्याचार किया जाता था, अब वही जेएनके का मॉडल पूरे देश में मोदी सरकार अपनाने की कोशिश कर रही है। तीसरा जो भाषण, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग भाषण था, वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी का था। और आज उन्होंने अपना भाषण इस तरह से पढ़ा, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है, और 6 गारंटीज की उन्होंने बात की कि बिजली 24 घंटे रहेगी, फ्री बिजली पूरे देश में होगी, गांव मोहल्ले में सरकारी स्कूल्स होंगे, गांव मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक्स होंगे, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से उनको दाम दिया जाएगा। और ये सारी गारंटीज की उन्होंने बात की, और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की भी उन्होंने बात की। और साथ में उन्होंने यही कहा कि अरविंद केजरीवाल आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, और आज मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपसे महान भारत को बचाने की गुहार लगा रहा हूं। तो काफी इमोशनल सी उनकी स्पीच थी, और काफी तालियां भी बजी सुनीता केजरीवाल के इस भाषण पर। डी राजा ने भी खूब दमखम लगाकर और एक तरीके से ये कह दिया कि मोदी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते इस पूरे देश को, और अगर मोदी वापस आएगा तो भारत एक थियोक्रेटिक स्टेट बन जाएगा, ये डी राजा ने कहा। और किस तरीके से सारे राज्यों का की जो ताकत है वो मोदी सरकार छीनने में लगी हुई है, उसी तरीके से हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन ने भी एक बहुत जानदार भाषण दिया और कहा कि किस तरीके से उनके पति को जेल में बंद कर दिया गया, कोई गुनाह साबित नहीं हुए लेकिन उनको उठाकर बंद कर दिया गया, तो पूरी हिम्मत के साथ और बिल्कुल जैसे एक पॉलिटिशियन बोलता है उसी भाषा और टोन एंड टेनर में कल्पना सोरेन ने भी भाषण दिया। तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें, तेजस्वी हमेशा से अच्छे स्पीकर रहे हैं, और उन्होंने कहा ओपनिंग लाइंस में अपने कि मोदी आंधी की तरह आए थे और तूफान की तरह वो अब चले जाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बार बार जिस तरीके से सत्ता पर ये सारा संकट महंगाई बेरोजगारी का है उसको इंडिया अलायंस ही पूरा कर सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाई है, और साथ में ये भी कहा बीजेपी पर खूब प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो यूरिया को चीनी बताती है, गोबर को हलवा बताती है, आंख फोड़ कर चश्मा देती है, ये वो पार्टी है। और उन्होंने कहा कि मोदी जी की जो गारंटी है वो बिल्कुल चाइनीज माल की तरह है कि थोड़ी तो 3-4 बार इस्तेमाल करोगे और फिर वो माल खराब हो जाएगा। तो ये सारी बातें तेजस्वी यादव ने कही थी। उसी तरीके से ममता बनर्जी तो आज नहीं आई थी, लेकिन डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष जो कि अभी नई नई टीएमसी की सांसद बनी है, उन्होंने पूरा अपना समर्थन इंडिया अलायंस को दिया। और वो जो एक इंप्रेशन बन रहा था कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, तो आज डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष दोनों ने मिलकर इस परसेप्शन को दूर किया कि टीएमसी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। उन्होंने एक नहीं 4 बार उस 6 मिनट की स्पीच में कहा कि तृणमूल कांग्रेस इंडिया अलायंस का समर्थन करता है, इंडिया अलायंस का हिस्सा था और इंडिया अलायंस का हिस्सा रहेगा। उसके अलावा अखिलेश यादव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि आज जब हम सब जब दिल्ली में आए हैं तो मोदी जी दिल्ली से बाहर गए हैं, और ये इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि अब मोदी जी की विदाई तय है। राहुल गांधी की अगर भाषण की बात करें तो बहुत ही अच्छे शब्दों में, एक आम भाषा में जिस तरह से लोगों को समझाना चाहिए, उन्होंने मैच फिक्सिंग के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग क्या होता है, मैच फिक्सिंग तब होता है जब आप एम्पायर पे दबाव डालते हैं, खिलाड़ियों को खरीदने की कोशिश करते हैं, और उसी तरह से
इस समय मोदी जी वो अंपायर बने हुए हैं जिनको जिन्होंने सारे अपने आसपास के तंत्र को खरीद लिया है और उन्होंने सारा अपना ब्यौरा दिया कि किस तरीके से बैंक अकाउंट्स को कांग्रेस के सीज किया गया है, बंद कर दिए गए हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो मैच फिक्सिंग का एक ही लक्ष्य है उन्होंने बताया, और वो था कि संविधान हटाओ। तो उन्होंने कहा कि अगर मोदी नहीं हटेंगे तो फिर देश का संविधान देश से हट जाएगा। उसी तरह से खड़गे जी ने भी लगभग लगभग वही बातें दोहराई, और साथ में उन्होंने एक शेर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा वक्त नहीं है, मुकदमा है, या तो गवाही दो और या तो गूंगे हो जाओ। इस तरीके की बातें उन्होंने कही कि मोदी जी सिर्फ यही चाहते हैं कि हर चीज उन्हीं के हाथ में हो, अपील भी हो, गवाही भी हो। तो उनका ये कह रहा था कि भाई या तो अब गूंगे हो जाओ और या तो फिर गवाही दे दो, ये दो ही बातें मोदी जी की है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मोदी ये चाहते हैं, उन्होंने राहुल गांधी का जो क्रिकेट और मैच फिक्सिंग का जो फ्रेज था उसको आगे बढ़ाया। उसने कहा कि मोदी जी ने पूरे ग्राउंड में गड्ढा खोद दिया है और फिर अब वो हम लोगों से कह रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलिए, तो ऐसे में क्रिकेट कैसे खेला जाएगा। तो कुल मिलाकर सारे दलों ने इस बात को कहा कि अब मोदी सरकार को विदाई उनकी अब करने का समय आ गया है, और अगर पूरी तरह से इंडिया अलायंस को वोट नहीं मिला तो फिर देश का संविधान नहीं बचेगा, देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। अब आज के भाषण के बाद क्या चीज बदली है, रामलीला मैदान की इस बड़ी हुंकार के बाद आज देश में क्या बदलेगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ स्क्रीन पर आप देखेंगे डॉक्टर सुनीलम है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता तो है ही, खुद भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। डॉक्टर सुनीलम आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक कबीर सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। गिरीश जोशी और अनिल सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा मैं अनिल सिन्हा से शुरू करती हूं, और अनिल जी मुझे ये बताइए कि आज की रैली के बाद और जिस तरीके से हुंकार भरी है सारे विपक्षी दलों ने, आपको क्या लगता है कि आज क्या देश का नैरेटिव इंडिया अलायंस बदल पाएगा? देखिए बदलेगा, अभी मतलब बदल पाया नहीं, काफी कुछ बदल भी दिया है, ये भी देखना चाहिए। और सबसे बड़ी जो जरूरत थी अभी आज की जो मीटिंग का मैं जो देखता हूँ वो ये है कि जब सीट शेयरिंग के बादल थे वो सब सारे छट गए, और उसके बाद इतना इलेक्शन काफ़ी करीब आ गया है, और ऑफेंसिव भी जो है, जो ये सरकार की ऑफेंसिव है, मोदी जी की ऑफेंसिव है, ईडी के जरिए, मीडिया के जरिए, वो सारा ऑफेंसिव भी तेज हो गया है। तो ऐसे समय में एक यूनिटी का अब मैसेज देना बहुत जरूरी था, और वो मैसेज इस मीटिंग के जरिए उन्होंने दे दी और बहुत ही सफलतापूर्वक दी। इसका ये सबसे बड़ी बात है कि जो जिनके जिनको कि वीकर लिंक समझा जा रहा था, कमजोर लिंक जो समझे जा रहे थे, जैसे TMC है, या इवन जिस तरह का तनाव जो है टीचर्स, ये मतलब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय मतलब शिवसेना NCP और उधर RJD, तो वो सब तनाव अब उससे लग गया कि ये सब चीज़ें जो है उसका ये इससे अप्रभावित है। दूसरा क्या कि एक सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ ऑप्टिक्स मतलब देखने लायक चीज़ थी कि आम आदमी पार्टी, जिसका कि कांग्रेस से इतना बैर रहा है, उसको आपने देखा होगा कि किस तरह से सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी किस तरह आपस में बातचीत कर रही थी, और उन लोगों ने जो भाषण किए उसमें उन्होंने सब मतलब चाहे भगवंत सिंह मान का भाषण हो या बाकी का, उसमें इसको प्रमुखता से रखा कि खाता जो सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी के इसका ये चला गया है। और दूसरा है कि जो बाकी पार्टियां, कांग्रेस ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला और उनके हैरेसमेंट का मामला उसको प्रमुखता से रखा। तो ये जो था कि एक ब्रिजिंग जिसको कहते हैं कि आपस में जो संबंध उसको पुख्ता कर लेना, वो बहुत जरूरी था लोगों की नज़र में, और वो उस नैरेटिव को, तो एकता की नैरेटिव भी एक इम्पॉर्टेंट नैरेटिव थी जिसको उन्होंने अचीव कर लिया। और दूसरा है क्या कि संविधान और लोकतंत्र, ये मुद्दा जो है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बाकी जो सारे मुद्दे हैं वो तो उन्होंने उठाए ही, जनता के जितने मुद्दे हैं सब ने करीब करीब उठाया, काला धन, बेरोजगारी, सारे मुद्दे किसी ने किसी तरीके से उठाए, बहुत फोर्सफुली उठाया, और सबका भाषण काफ़ी अच्छा रहा, उपस्थिति भी अच्छी थी। और इसमें आपको गोदी मीडिया ने भी भले ही ईपट लगा के मतलब उनका
भाषा नहीं जोड़ के साथ नहीं, आज तो मुझे लग रहा है कि गोदी मीडिया मजबूर हो गया होगा क्योंकि रविवार है, कोई खबर नहीं थी तो उनको आज दिखाना ही पड़ा। लेकिन एक बात मैं दर्शकों को बताना चाह रही हूँ कि सोनिया गांधी की मौजूदगी आज बहुत महत्वपूर्ण थी। वो बिल्कुल इवेंट के शुरुआत में नहीं आई थी, बीच में आई थी, लेकिन वो जिस तरीके से बाद में सुनीता केजरीवाल के बगल में बैठी, उनके साथ दोनों ने एक दूसरे का हाथ हाथ में रखा और फिर उसके बाद वो हंसती बोलती हुई नजर आई, वो वाकई में एक बहुत ही अच्छा ऑप्टिकल मोमेंट था। मैं डॉक्टर सुनीलम के पास जाती हूँ। डॉक्टर सुनीलम तो वहां रामलीला मैदान में मौजूद थे और हमारे शो की वजह से वो रामलीला मैदान से बाहर आकर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे। डॉक्टर सुनीलम, आज की एनर्जी जो रामलीला मैदान में दिखी उसको देखकर आज क्या कहेंगे आप? तो खुद आज प्रत्यक्ष गवाह हैं वहां के रामलीला मैदान के, बताइए। नीलू जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं फॉर वंडरफुल ब्रीफिंग। आपने पूरा सार रख दिया, पूरे भाषण का सार जो है 3-4 घंटे के, उसके लिए बधाई आपको। और एनालिसिस जो है वो अनिल जी ने बहुत बढ़िया कर दिया। मेरे को केवल इतना कहना है कि क्राउड जो है बहुत वाइब्रेंट था। मैं क्योंकि फर्स्ट एनक्लोजर में बैठा था जिसमें सो कॉल्ड जितने एमएलए एमपीस और प्रेस, वो प्रेस के बाद वाला जो होता है, लेकिन उसमें ये जो कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे कि किधर किधर से आकर के वो झंडे लेकर के 3 घंटे तक खड़े रहे और पीछे की जनता उन्हें हटाने की कोशिश करती रही, लेकिन 3 घंटे तक वो सफल नहीं हो पाई। और उसमें मैं देख रहा था महिलाएं भी थी, बड़ी उम्र के लोग भी थे, युवा भी थे, तो ऑल अलग अलग जो उम्र के लोगों के अंदर जो उत्साह था, एक तो मैं उसको रेखांकित करना चाहूंगा। दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा देखिए कि जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तब पता चलता है पॉपुलैरिटी। तो आपको मैं मतलब 4 लोगों के बारे में कहूंगा कि राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश और भगवंत सिंह मान, इनके लिए सबसे ज्यादा मतलब लोग जो है तालियां बजाते रहे या लोग जिस तरीके से खड़े होके वार्म रिसेप्शन जब वो बोलने के लिए खड़े हुए और एक एक बात को लेकर के लोगों ने बहुत बढ़िया जो है उस तरीके से रिस्पांस देने का काम किया, ये एक और दूसरी बात रही। तीसरी बात ये है कि इसके जो लोग थे वो मैंने देखा कि उसके अंदर जैसे सिख थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, एक ये जो है बहुत जिसे जिस तरीके का मैसेज है इस इंडिया गठबंधन का, मतलब पूरा सेकुलर उसका, उसी तरीके का क्राउड भी वहां पर ये था। अब इसके साथ में जो अगर मैं कहूं कि जो बात आपसे छूट गई है वो ईवीएम को लेकर के है। ईवीएम को लेकर ही पूरी मैच फिक्सिंग की बात जो है वो राहुल गांधी ने की। कई वक्ताओं ने ईवीएम को लेकर के बार बार टिप्पणी करने का काम किया, उससे ईवीएम की बात भी लोगों तक जाएगी, ये एक बात है। दूसरी बात ये जो 400 वाला है उसको पूरा का पूरा चुटकुला बना दिया पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन ने कि ये चुटकुलेबाजी हो रही है। मतलब ये है कि जैसा अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये 400 पार, मतलब ये है कि ये 400 हारने वाले हैं और इसके अलावा ही कुछ पहुंचने वाला है इनका, है ना। और तड़ी पार वाला तो जो आपने बताया वो सबसे ज्यादा हिट रहा है ना, जो उन्होंने सबसे पहले आते ही साथ, जबकि वो हिंदी स्पीकर नहीं है उद्धव ठाकरे, लेकिन उन्होंने जो नारा लगवाया लोगों से कि जो है अब की बार भाजपा तड़ी पार, वो एक उससे मतलब ये जो 400 वाला जो एक मिथ क्रिएट किया जा रहा था उसको फेल करने का काम कर। अब मुझको एक बात का बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि हम लोग तो एमएसपी वाली और लड़ाई, कर्जा मुक्ति वाली लड़ाई बोल रहे हैं, एमएसपी की सबसे ज्यादा बात उद्धव ठाकरे ने की है ना। हालांकि राहुल ने भी उसका जिक्र किया, जो है अखिलेश ने भी जिक्र किया, लेकिन मतलब जो विस्तार से जो बात किसानों की कही, मतलब मुझे सुखद आश्चर्य था मेरे लिए कि वो ये कह रहे थे कि भाई जिन किसानों के लिए कीले बिछाई हैं, दीवारें खड़ा किए, गड्ढे खोदे हैं, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का इसी तरीके से करने वाला है। और इसका महत्व इसलिए है कि कल मैं रोहतक की मीटिंग में था और रोहतक की मीटिंग के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे ने यही तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हम जो है बेनकाब करेंगे, विरोध करेंगे और उसे दंडित करने का काम करेंगे। तो मतलब ये बात कोई ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि कोई प्रेस की कोई प्रेस रिलीज पढ़ करके उन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन वो इस बात को फील कर रहे हैं। और मुंबई का व्यक्ति, हालांकि महाराष्ट्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत है और एक किसानों की बड़ी तगड़ी लॉबी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को बहुत तगड़े तरीके से रखा। और तेजस्वी जो है वो जो एक उनका बेरोजगारी वाला मतलब रोजगार के सवाल को
हालांकि अभी तक मैं आंकड़ा सुन पाता था, अभी मैं 3 लाख का आंकड़ा सुनता था, 2 लाख का, अभी तो 5 लाख का आंकड़ा मैंने सुना उनका। लेकिन एक मतलब ये है कि बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने फोकस किया, महंगाई के ऊपर जो है, और कई वक्ताओं ने पूरा रेट लिस्ट बता दिया कि कौन सी चीज कितनी महंगी हो गई है वो भी बताया। इसके साथ में मतलब ये जो ममता जी की तरफ से जो डायरेक्ट कुरान है वो जो आए और जो उनकी मेंबर पार्लियामेंट आई, उन लोगों ने बार बार इस बात को कहा कि हम भारतीय जो है, हम भारत के इंडिया गठबंधन के हम साथ हैं। इसका बहुत बड़ा मायना है और इससे बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन इससे गया है, मुझको ऐसा लगता है। और ये बात मैं पहले भी आपके शो के ऊपर कहता रहा हूं कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो इंडिया गठबंधन के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक साथ आकर के अगर वो चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है कि पूरा अपोजिशन का जो पूरा वोट था वो मोदी के पास जाता और उनकी सीटें फिर जो है, जो आज हो गया है कि मतलब 50% पे आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा फिर नहीं हो पाता। तो अभी जो है, जो भी लोग अपोज करते हैं दीदी को, वो लोग जो है कभी लेफ्ट के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो उसका लाभ भी इंडिया गठबंधन को, सीट के फॉर्म में अगर वो बदलता है विरोध तो फिर वो भी इसके साथ में आ सकता है। स्टालिन नहीं थे, लेकिन स्टालिन की पार्टी की तरफ से जो फेडरल इंडिया की बात की गई है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन है, इसके अंदर फेडरलिज्म का जो मसला है, संघीय ढांचे का जो मसला है, वो बहुत मसला है, क्योंकि वही मसला महबूबा जी ने, मुफ्ती जी ने उठाने का काम किया। और फारूक अब्दुल्ला जैसे जो बात बार बार करते हैं, नफरत के खिलाफ हम एक साथ थे, हैं और हम रहेंगे, तो सभी वक्ताओं ने बहुत बढ़िया ढंग से अपनी बात को रखा। समय निकाल के पहुंचना नीलू जी बहुत कठिन है ना। हम लोग साधारण कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो है इम्पोर्टेंट जगहों पर पहुंचना नहीं हो पाता। और ये सब लोग जो कि अपनी पार्टीज के मतलब एक एक फोकल पॉइंट हैं, वो उन लोगों का समय निकाल करके पहुंच पाना, मुझे लगता है कि वो ये बताता है कि इंडिया पार्टी जो गठबंधन है वो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके लिए टॉप प्रायोरिटी बन गया है। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि तमाम सारे लोग पार्टियों को अपना प्रायोरिटी देते हैं, इंडिया गठबंधन नंबर 2 के ऊपर आता रहा है, ऐसा लोग देखते रहे हैं, टिप्पणी करते रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की रैली से, और अब ये क्रमशः बढ़ता चला जा रहा है, और ये वाली बात मैं कह सकता हूँ कि जो संख्या पटना में थी, उसके बाद जो संख्या मुंबई में थी, और आज जो संख्या दिल्ली के अंदर थी, तो इंडिया गठबंधन की ताकत और जनता का मोबिलाइजेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन के साथ में। इसको भी मार्क करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बात गोदी मीडिया की होती है, गोदी मीडिया को भी जो है धीरे धीरे इस बात को इस चुनाव के पहले ही रियलाइज करने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब इनइक्वालिटी का सवाल बहुत बार बार जो है तगड़े तरीके से उठाया जा रहा है। और इनइक्वालिटी का सवाल बार बार राहुल जी ने भी बोला, एक और जो है 50% का, कई वक्ताओं ने इस बात को रेखांकित करने का काम किया कि इनइक्वालिटी किस स्तर के ऊपर पहुंच गई है। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये बहुत सफल रैली ये होगी, और इसमें बहुत ही इमोशनल, सबसे ज्यादा जो इमोशनल था वो सुनीता जी का बात था, और ये भी कि सभी वक्ताओं ने ना, दोनों के लिए, सुनीता जी के लिए और जो उनका उनका सोरेन जी की जो है वो पत्नी है उनके लिए, और कई बार इनका भी जिक्र आया कि क्योंकि वहां पर उनकी वाइफ भी थी, संजय सिंह की भी और जो सत्येन जैन की भी। मेरा मतलब ये है कि सब लोगों ने एक तरीके का इसको पर्सनल भी एक इमोशनली जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि महिला के साथ में, महिलाओं के साथ भी ये अत्याचार है। मतलब आप कर तो रहे हैं, पॉलिटिशियन के साथ में कर रहे हैं, पार्टी के साथ में कर रहे हैं, आप आवाज को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, फंक्शनिंग को आप रोक रहे हैं, जिसको राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया ढंग से कहा कि भाई हमारी टीम के जो 2 खास खिलाड़ी थे उन्हीं को आपने जेल के अंदर डाल दिया, तो मैच फिक्सिंग को लेकर के जो कहा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो नैरेटिव है ध्रुवीकरण से हटेगा नैरेटिव, और इसका ही सबसे ज्यादा लाभ होगा। इंडिया गठबंधन अगर इस बात में कामयाब रहता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण उसको रोक पाता है, तो मुझे लगता है कि फिर इंडिया गठबंधन को कोई नहीं रोक पाएगा, और मुझे लग रहा है कि उस दिशा के अंदर बहुत तेजी से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। जी शुक्रिया।
बिल्कुल इस दिशा को गति जरूर मिली है और आज कई स्लोगन्स दीपक बोले गए, जैसे कि उद्धव ठाकरे का मैं बयान सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि अब की बार बीजेपी तड़ी पार। उसके अलावा जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हम दिल्ली आए हैं, वो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी सत्ता आने वाली है। अब ये जो इस तरीके की बातें हुई हैं और तेजस्वी ने भी कई बातें कही कि बीजेपी देखिए वो पार्टी है जो यूरिया को चीनी बना देती है, गोबर को हलवा बना देती है, क्या आज आम लोगों के लिए और जो संविधान, और ये भी आज सारे स्पीकर्स ने इस बात को रखा और पुरजोर तरीके से रखा कि समाज का हर तबका बीजेपी और मोदी सरकार से परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, बेरोजगारी, ईवीएम इशू, संविधान, एक भी इशू ऐसा नहीं था तो क्या, जिसको आज इन लोगों ने रेज नहीं किया, तो क्या आज भारत की जनता, जिन लोगों ने आज इस महारैली को देखा होगा, सुना होगा इन सारे लीडर्स को, तो क्या आज उनका हृदय परिवर्तन होगा? मैं उस तबके की बात कर रही हूं जो कि मोदी का एक लॉयलिस्ट वोटर है, क्या आज उसके मन में एक डर, उसके मन में एक शक आएगा कि भाई तीसरी बार अगर हम मोदी को लेकर आ गए तो फिर ना हमारा देश बचेगा ना संविधान बचेगा। राहुल गांधी के भाषण में जब वो अंत कर रहे थे अपने भाषण का, उन्होंने कहा कि देश में आग लग जाएगी अगर मोदी तीसरी बार आ गए तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही। तो आज जो देश की जनता है वो इस रैली को किस तरह से लेगी और किसी तरीके का आप हृदय परिवर्तन देखेंगे लोगों में? देखिये, मुझे लगता है कि ये सही बात है कि एक बड़ी स्टेज पार किया है, वो सबसे बड़ी स्टेज है जो इंडिया गठबंधन के ऊपर, मतलब किसी भी तरीके के गठबंधन के ऊपर जो सबसे बड़ा अटैक मोदी सरकार लगातार कर रही है। वो कह रही है कि ये बहुत भानुमति का कुनबा है और सरकार नहीं चला पाएगा और इतने लोग हैं, हालांकि वो भी इससे ज्यादा बड़े गठबंधन में रहे हैं पर उनके यहाँ तो गठबंधन माना ही नहीं जाता, वो अकेला मोदी बनाम इतने सारी पार्टी कहते हैं। और पूर्व के अनुभव ऐसे होते हैं कि वो अपनी बात कहने में कामयाब भी होते रहे कि इतनी सारी पार्टीज हैं, वो टूटेंगी, लड़ेंगी, ममता उनसे लड़ेंगी, वो उनसे लड़ेंगे, ये सब मामला चलता है। ये स्टेप पार हुआ है, स्टेप ये पार हुआ है कि चुनाव में नॉमिनेशन हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन अभी एकजुट है, उसी मंच पे तृणमूल कांग्रेस भी है, उसी मंच पे जो है समाजवादी पार्टी भी है, उसी पे कांग्रेस है, उसी पे केजरीवाल भी है, उसी पे लेफ्ट भी है, सब लोग, मतलब ये जो सॉलिड आया है कि अब इंडिया अलायंस बहुत क्लियर शेप ले चुका है सीट वाइज, लेकिन इससे चीजें हल नहीं हुई है। अब अगले जो चीजें आने जा रही हैं वो है स्ट्रक्चर्ड इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच में एक सहमति बन गई है, लेकिन इंडिया अलायंस की पार्टियों के स्ट्रक्चर में वो तेजी और वो जोश है कि नहीं। देखिए, जहां पर सत्ता है वहां के रिजल्ट दूसरे होंगे और जहां पे विपक्ष है वहां के रिजल्ट दूसरे होंगे। दिल्ली में सत्ता में रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता में है, पंजाब में भगवंत मान सत्ता में है, केरल में लेफ्ट सत्ता में है, स्टालिन है तमिलनाडु में। तो चीजों को इतने आसान तरीके से मुझे लगता अभी नहीं देखना चाहिए। ये जरूर है कि आपने एक मोर्चा पार किया है। इंडिया टुडे में स्टोरी आई है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में तैयारियां क्या हैं, किस लेवल पे हैं। वो स्टोरी एक नॉर्मल स्टोरी भी हो सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस शख्स ने वो स्टोरी करी है और लगातार सब संपर्क में रहते हैं, मैं कई बातें नहीं कह पाता हूं उस तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि हमें स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है और इसे वोट में कन्वर्ट करने की। तो सबसे बड़ी चुनौती खासतौर पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश को लेकर है। और ये अगर मान लीजिए उसी तरीके से स्वीप हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत होगी और यहाँ के लिए बहुत ज्यादा तरीके से जूझने की जरूरत होगी। यहां तक कि मुझे लगता है कि इस प्लानिंग के साथ भी जरूरत होगी कि किस तरीके से हम जितनी सीटें चाहते हैं उतनी सीटों पर फोकस करके जिता ले जाएं। और इसीलिए बार बार जो जो आपने एक सवाल उठाया है कि क्या रैली को देखकर मन बदलेगा, तो माफ कीजिएगा, इस समय एक पोलराइजेशन इतना तीखा है कि जो उधर है वो उधर है, जो इधर है वो इधर है, फ्लोटिंग वोट जिसे हम कहते थे वो थोड़ा हिस्सा बचा है, वो थोड़ा हिस्सा प्रचार की वजह से मोदी को देता है क्योंकि मोदी के अलावा कोई दिखता नहीं है उसे, उसकी चेतना में नहीं डाला गया, हर तरफ मोदी मोदी मोदी। अगर उस फ्लोटिंग वोट पर काम कर लिया जाए और ये अर्बन सिटी, अर्बन क्लास का जो सवर्ण तबका है वो नहीं है, ये
मुझे लगता है कि बहुत साफ तरीके से उस पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। एक चीज उपलब्ध यह है कि ये चुनाव किसी पार्टी का, अब ये इंडिया गठबंधन में कार्यकर्ता और नेता के बीच में भेद काफी कम हो गया है। ये लोग इतने दमन के शिकार हुए हैं कि जो नेताओं का एक अहम होता है, गुरुता होती है, वो खत्म हुई। ये भी एक आम कार्यकर्ता की तरीके से व्यवहार भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है कि हमारा ये छीन लिया, हमारा ये छीन लिया, हमारे पास पैसे नहीं है। ये एकाकार होना जरूरी था कि नेता और कार्यकर्ता सब एक ही दशा में हैं। तो मुझे लगता है ये सहजता कार्यकर्ताओं को नेताओं के बहुत करीब ले जा सकती है और एक बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। इस तरीके से मैं इसको देख रहा हूं। और तीसरा, अभी हमें देखिए भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही है कि उसे बीच, भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि उसे विपक्ष के किन चीजों पर चोट पहुंचानी है। अभी वो राम मंदिर के एजेंडे को फैला के चुप है। राम मंदिर की खुराक वो दे चुके हैं, उसके बाद वो उसे नहीं छेड़ेंगे क्योंकि राम मंदिर उनके लिए एक बोनस में बैठा हुआ है। उसके इर्द गिर्द ये राष्ट्रवाद को लाएंगे, ये सांप्रदायिक नफरत को लाएंगे, ये गुंडा राज को लाएंगे, ये आर्थिक मुद्दों को लाएंगे, किसको लाएंगे ये अभी उन्होंने खोला नहीं कार्ड। और उनके पास ये क्षमता है कि वो आखिरी 3 दिन में भी कार्ड पलट सकते हैं, वो आखिरी 3 दिनों में भी एजेंडा बदल सकते हैं पुलवामा की तरीके से या किसी भी तरीके से, उनके पास ये क्षमताएं हैं। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये रैली उत्साह के बाद थकने की नहीं है, बल्कि एक पहला कदम है, पहला कदम है। और दूसरी बात, अगर हमने सीटों को चुनिंदा करके उस पर सीट वाइज चुनाव नहीं लड़ा तो मुश्किल होगी। मेरा अभी भी ये मानना है कि ऊपर ऊपर मोदी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की विफलता की बात करें, पर बहुत सारे मुद्दे समेटने की जरूरत नहीं है, सीट वाइज फोकस करें। क्योंकि असली लड़ाई आप सीट, आपको बीजेपी को पता भी नहीं चलेगा कब आप जो है सीट 272 सीट जीत गए, लेकिन अगर आप ओवरऑल हराने की कोशिश करेंगे तो आपकी बहुत ताकत जाएगी और आपको लगेगा कि बहुत हल निकलने आ रहा है क्योंकि आपका स्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है। तो और मुझे लग रहा है कि पार्टियां हमसे बेहतर समझ रही हैं, लीडरशिप जितना परेशान किया गया है वो भी जानता है कि क्या बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन ये तय हो गया है कि अब इंडिया अलायंस को कोई बिखरे हारी हुई पार्टियों का कुनबा जैसे कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है। बिल्कुल, अब जो है डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं कि इंडिया अलायंस जीतेगा कि एनडीए, इंडिया अलायंस अब वो बोल रहे हैं, अब इंडिया बनाम एनडीए हो गया, अब इंडिया को इंडी कह के चिढ़ाना और ये वो सब खत्म हो गया है। ये तो नाउ आप एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया है, इंडिया को कैसे जीतना है। हाँ, बीजेपी की जो लामी है वो तो आज भी बख्श नहीं रही थी। आज सुबह से मेरे कपिल मिश्रा और तमाम लोगों के ट्वीट, सुधांशु त्रिवेदी के जो मैं देख रही थी उसमें यही लिखा हुआ था कि सारे चोरों की और भ्रष्टाचारियों की जमात आज रामलीला मैदान में खड़ी हुई है, इस तरीके की बातें उन्होंने लिखी थी। भाई वो करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो एस्टेब्लिश हो चुका है कि ये लड़ाई किसी पार्टी बनाम बीजेपी की नहीं है, इंडिया बनाम एनडीए की है। और इंडिया बनाम एनडीए की मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी। ये 3 एजेंडे बहुत हैं। जिस तरह राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने एक बेस स्ट्रक्चर के रूप में स्थापित कर दिया है, उसी तरीके से कम्युनल हार्मनी का या मोहब्बत का जो मुद्दा है उसे इंडिया अलायंस को एक बेस स्ट्रक्चर के रूप में छोड़ देना चाहिए, उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंडिया अलायंस का मतलब है कि वो अगेंस्ट हेट है, अगेंस्ट डिवाइड है, ये मान लेना चाहिए। और चुनाव को भ्रष्टाचार और बदहाली और रोजगार पे फोकस कर देना चाहिए, ये मुझे मुझे जो निकलने पे पता चलता है। और उसी मुद्दे पे वो फ्लोटिंग वोट टूटेगा। फ्लोटिंग वोट कम जरूर हुआ है लेकिन अभी भी इतना है कि वो टूट के पलट सकता है। बाकी कास्ट अलायंस वगैरह तो मतलब चलते ही रहेंगे, उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसका अपना रोल रहेगा। पर मुझे लगता है कि सिर्फ मोहब्बत की बात करना से बेहतर है कि इनके भ्रष्टाचार इनके ऊपर अटैक करें। जितना इन पर अटैक करेंगे ये उसका जवाब देंगे, और इनकी पिच पे खेलने की बजाय इंडिया अलायंस को अपनी पिच पे चुनाव पे जाना चाहिए। बिल्कुल,
आज मोदी के आचरण पर भी बहुत ज्यादा कहा गया कि किस तरीके से विपक्षी दलों को जेल में डाल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कंस की उपाधि दे दी, उन्होंने कहा कि कंस किस तरीके से अपने लोगों को वो जेल में डाल देता था, उसी तरीके से कंस की बात कही। लेकिन गिरीश जी, मैं अब आऊंगी जो बात भगवंत मान ने एक शेर के जरिए कही, और उन्होंने धारणा शुरू किया और कहा कि देखिए देश, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आंधियों को बोलो वो औकात में रहें। इस तरीके की बयानबाजी आज भगवंत मान की तरफ से देखने को आई। तो अंत में यही पूछूंगी आपसे सर, और उसको थोड़ा एलैबोरेटली बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अब मोदी सरकार की क्या विदाई तय हो गई है? अनम्यूट कर, जीत गठबंधन अनम्यूट है। पहला ही जो जीत की आसार आप देख रहे हैं वो यहाँ पर था कि इनको बहुत पहले ये था कि कैसे भी करके गठबंधन बन ना पाए। इन्होंने पूरी जो तन तोड़ मेहनत करी थी वो इसलिए गठबंधन बनना, वहां पे इनकी पहली आ रही कि गठबंधन बन गया। जो अभी से कबीर जी बोले सही है कि आपको अलर्ट बहुत रहना पड़ेगा। मैं अभी आपको एक इंसिडेंट, जो शायद किसी मीडिया में अभी उसका रिपोर्ट नहीं आया, कि 3-4 दिन से ये लोग इंजीनियर को पकड़ के दिल्ली के जल मार्ग वाले को, और ये तैयार थे कि इसको अंदर कर दिया जाए, राघव छड्डा को, उससे कुछ स्टेटमेंट लिए गए थे। लेकिन इसका एक एक हिडन एडवांटेज आपको दिख रहा है कि ऑफिसर सारे साथ में नहीं है। समबडी लीक द मैसेज, वो परिणीता आ गई, वो नहीं आया, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ था। तो इनको ये था कि उसको भी पकड़ के अप्रूवर बनाना है, ताकि पूछ सकें कि भाई ये केजरीवाल की पूरी सरकार जो है वो करप्ट है। ये इनका मिशन सेकंड फेल हो गया, और गठबंधन सारे इकट्ठे आ गए, ये भी हो गया। अब एक मैं बता दूं कि सारों ने जो सेटिंग की थी अपने लेक्चर की, एक बात आपको प्रचलित, आप देखिए महाराष्ट्र में ये माना जाता है कि उद्धव ठाकरे ना वो हमेशा अपने दिल से बोलते हैं, उनके पास कभी कोई ऐसे फिक्स एजेंडा नहीं होता। तो उन्होंने देखो बहुत ही अच्छी शुरुआत करी कि जब हमारी दो बहनें लड़ रही हैं तो हम भाई कैसे शांत बैठे हैं, तो इसलिए हम लोग इनके सपोर्ट में आए, और हम मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान इनको सपोर्ट करे। वो सेंटिमेंटली वो बोल गए, और वो हमेशा दिल से बोलते हैं इसलिए वो ऐसा ही बात करते हैं। तो वो उन्होंने अच्छी बात कर दी कि भाई हम लोग बहनों के साथ हैं। और वही कल्पना सोरेन ने भी शुरू की कि भाई मैं 50% वोटर्स के, 50% वोटर्स इज फीमेल, मैं फीमेल वोटर्स की तरफ से बोल रही हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट करें। और आदिवासी, आदिवासियों का जो उन्होंने हिस्ट्री बताया कि आदिवासी हमेशा ही रेवोल्यूशनरी रहे हैं आजादी की लड़ाई में, और अपने हकों के लिए आदिवासी ने हमेशा अपनी जान दी। तो उन्होंने वो हेमंत सोरेन का जो स्ट्रक्चर था वो भी बढ़ा दिया कि भाई ये तो वैसे ही रेवोल्यूशनरी है, ये ऐसे झुकेंगे नहीं। तो मतलब दूसरे जो गए वो झुके हैं, तो इनकी डर्टी गेम्स के सामने अलर्ट तो रहना पड़ेगा। लेकिन ये एक सिंबल सीधा था कि दिल्ली में आज कोई नहीं था जिसको अखिलेश ने टॉन्ट मारी कि जो दिल्ली से बाहर गए हैं उसका ये संकेत है कि अब वो लौट के नहीं आएंगे। और उन्होंने बहुत एक अच्छी बात करी कि वो यूपी ने 80 सीट दी थी, क्योंकि यूपी का एक खासियत है कि वो बहुत आवभगत भी अच्छे से करता है, लेकिन अगर नहीं मानते हो तो आपको विदाई भी बड़ी इतनी जोर शोर से दे देते हैं। तो उन्होंने पूरा हिंट दे दिया मैटर, उन्होंने कहा कि बाजे गाजे के साथ विदाई भी कर देता है उत्तर प्रदेश, विदाई भी कर देते हैं, तो वो मेंटालिटी थी। तो स्टेट्स में आप देखिए, अब जैसे रीजनल पार्टीज आ गई हैं तो हम एक नेशनल परसेप्शन बात कर, लेकिन वहां जाने के बाद जो रीजनल पेपर्स में और रीजनल में उनके जो मीडियम है उनके थ्रू जो ये मैसेज जाएगा, इसका भी वाइड स्प्रेड इंफॉर्मेशन लगने लगेगी। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि लेक्चर से ज्यादा मैं स्क्रॉल करके सारों को देख रहा था कि व्यूअरशिप कहाँ पे ज्यादा है, तो जो इनके लाइव मीडिया में जो प्रोग्राम चल रहा था देवर इन टू थाउजेंड्स, और अपने यहाँ 1.5-2 लाख से कम किधर भी नहीं था, इट वॉज गोइंग अप टू 5 लाख। तो मतलब टोटल आप देखें तो 75 लाख to 1 crore पीपल वर वॉचिंग दिस इंडिया गठबंधन। तो पब्लिक का इंटरेस्ट तो है, और वो मैसेज डायरेक्ट गया है, और सारों ने जो बोला है वो मुद्दे सर बोला है। तो वो आपने जैसे बोला भगवत मान का, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा जो उसने बोला था कि राज तो वो करते हैं जो दिलों पे राज करते हैं, कहने को तो मुर्गे के सर पर भी ताज होता है, तो मुर्गा भी बना दिया उन्होंने। वो वैसे ही बोल रहे कंस बन गए, आज तो बहुत उपाधियां दी गई है। उन्होंने मुर्गा बोल के सरकास्टिक स्माइल भी दी ताकि उनका मैसेज क्लियर जाए कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा, वैसे आप देखिएगा तो दिस मैसेज विल गो। और अभी खाली इनकी बदमाशियों को कैसे काउंटर करें, तो इनकी अभी जो गेम्स हैं मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेट थोड़ी बहुत फेल भी करने लगे हैं, जो इनको मैसेज बहुत समझ लेना चाहिए। अभी मैं एक एक कॉमेंट लूंगी फटाफट अनिल जी से और दीपक से भी। अनिल जी क्या कहे, मैं फिर से वो सवाल दोहरा रही हूँ जो मैंने गिरीश जी से पूछा था कि अब की बार गई मोदी सरकार। हाँ देखिए, शुरुआत तो हो ही गई है, मतलब अभी जंप नहीं, हम लोगों को अभी 2 महीने तक चलाना है ना ये डिबेट को।
तो अभी अब हम लोग जंप तो नहीं कर सकते अभी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग मतलब उस ओर बढ़ रहे। देखिए सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो केमिस्ट्री की बात हुई सब अब भूल गया मीडिया, अपना ही जो ये बॉडी लैंग्वेज केमिस्ट्री ये सब हम लोग के जर्नलिज्म में उस समय उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इशूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इक्वेशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन अब बीच में चलने लगा कि बॉडी लैंग्वेज, मोदी जी किस तरह से मिले ओबामा से और कैसे वो हंस रहे थे कैसे मुस्कुरा रहे थे इस पर चलता था, तो वो और केमिस्ट्री उनकी कितनी अच्छी है, तो ये केमिस्ट्री भूल गया है मीडिया, वो देखने लायक बात है कि वो केमिस्ट्री या बॉडी लैंग्वेज वो सब भूल गया है उसको अपना, अब ये याद नहीं रहा। ये एक बड़ा बड़ा डेवलपमेंट है उस हिसाब से, क्योंकि केमिस्ट्री आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपने जैसे सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल की मुलाकात की बात की, या बाकी लोगों का लैंग्वेज भी जो था कि जो कॉमन लोगों का लैंग्वेज है कि बहन खतरे में है तो हम आ रहे हैं और हमने मांगा उनसे, मतलब एक सेंटिमेंटल जो इमोशनल चीज़ें हैं वो भी रखा, मतलब कनेक्ट कर रहे थे लोगों से और वो पब्लिक रिस्पॉन्स में भी नज़र आ रहा था। दिक्कत अभी उनके साथ क्या है सो उसकी तुलना भी करनी चाहिए। मोदी जी अकेले स्टार प्रचारक हैं, मतलब कि पूरा गैलेक्सी में अकेले चमकते हुए तारे हैं, और उससे तो होता नहीं है ना, आसमान में और भी तारे चाहिए, तो वो तारे इनके इधर जो दिखता है इसमें कई तरह का आपको जो उसमें दिखता है कई रंग जो दिखते हैं वो भी है, लेकिन ये सब रंग मिलकर के एकदम इंडिया सही नाम है इस हिसाब से कि उन्होंने वो जो डाइवर्सिटी उनका जो पॉलिटिक्स की डाइवर्सिटी थी उनके जो विचारधारा का अंतर था वो मेल्ट हो गया है। सबने एक चीज कॉमन कही कि संविधान और लोकतंत्र अगर बचाना है तो इसको हराना होगा, एकदम कॉमन फैक्टर था। दूसरा ये था कि ये जो है सो राज्यों पर नेताओं पर पार्टियों को ख़त्म कर रहे हैं, ये इनका ये था मतलब फोकस था। तो इस तरह से आप वो देख सकते हैं कि जो मेल्टिंग हुआ है वो जरूरी था, और इसके लिए धन्यवाद हम मुझको देना चाहिए ईडी को ही, क्योंकि ईडी केजरीवाल को अगर नहीं पकड़ता तो ये स्थिति नहीं आती। एक चीज और है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड को वो जो लग रहा था उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मतलब को कि क्या जो रिवील जो भी आया है आंकड़ा उसको उसके किससे हम दबा देंगे केजरीवाल को अंदर करके, तो उससे उल्टा हुआ है कि इधर कंसोलिडेशन भी हुआ है। और ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने बनाया था खुद, अभी भी उसको पकड़े हुए हाँ, अब वो पलट गया, अब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा इधर से उठ रहा है, तो हमको लग रहा है क्या कि जो गेम चेंज हो रहा है इसको मानना चाहिए गेम चेंजर इवेंट था रामलीला मैदान का, इतना हम कह सकते हैं। ठीक है दीपक क्या कहेंगे, अगर जो अगर ये एक गेम चेंजिंग इवेंट आज था रामलीला मैदान का, और अनिल जी ने आगाह किया कि भाई अभी तो 2 महीने हैं इसलिए हौले हौले चलो, अब की अभी ये मत बोलो कि अब की बार गई मोदी सरकार, तो आप क्या कहेंगे आज के इवेंट पे, उसके बाद फिर मैं लास्ट कॉमेंट गिरी। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को तो बोलना चाहिए जो लोग शुभचिंतक हैं, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी पिछले 4-6 महीने पहले ये निकल कर आया था कि सबसे बड़ी चीज है इस नैरेटिव को तोड़ना कि मोदी अपराजेय है उनको हराया नहीं जा सकता। ये नैरेटिव ही आधी लड़ाई को खत्म कर रहा है, इसलिए इस नैरेटिव को तोड़ना ही जरूरी है। चुनाव में भले कौन जीते हारे अलग बात है, पर जीत तो इंडिया रहा है पहली चीज। दूसरी बात मुझे लगता है कि ये चुनाव जिस तरह के कम्युनिकेशन टूल से लड़ा जाएगा ये बहुत सटायरिकल होने की जरूरत है, और होगा भी कि जैसे मान लीजिए किसी भी अपराधी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, और फिर मोदी जी जो है केरल के उस कैंडिडेट को सुरेंद्र को टिकट दे रहे हैं जिसके पास 242 मुकदमे हैं, या किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं करना चाहिए फिर भ्रष्टाचारी का टिकट, वंशवाद के खिलाफ होना चाहिए फिर वंशवाद, ये पूरा कि मोदी का कहना और करने में जमीन आसमान का अंतर है। ये सबसे बड़े झूठे हैं, दिखावा करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, ये जो सटायरिकल अटैक है, क्योंकि जमीनी तौर पे तो जनता परेशान है, उसके मन में एक फेक इमेज बनाई हुई है, और इस फेक इमेज को ध्वस्त करना जरूरी है। इस फेक इमेज को ध्वस्त करने से क्या होगा कि ट्रोल आर्मी जिसको पैसा मिलता है उसके अलावा जो आम जनता होती है जो थोड़े समर्थन में भी रही है उनके, वो बोलना कम कर देती है, वो बंद कर देती है, ज्यादा बोलते तो उनसे कहते नहीं ऐसा ना बोलो तुम भी वो नहीं हो,
ये स्ट्रेटेजी ही चुनाव में आगे ले जा पाएगी। नारे तो अभी ऐसे ऐसे आएंगे, बहुत देखे चुनाव में नारे बहुत शालीन चलते भी नहीं है। अब हमारे पास एक नारा चल रहा है, हम बोल नहीं सकते, लेकिन उसकी पहली लाइन है ऊब गए हैं मोदी से, फिर उस पर अगली लाइन अलग है, तो ऊब गए हैं मोदी से, तो मोदी के चेहरे से ऊब जो पैदा होनी चाहिए, ये ऊब का फिनोमेना कि इस आदमी ने चट लिया, बहुत ज्यादा हो गया हर जगह अपने को लाना। ग्राउंड पर लोग मौजूद थे, कई लोगों ने आज मुझे इस तरीके के वीडियोस भेजे हैं जहां पर छोटे छोटे ग्रुप्स में रामलीला मैदान में लोग बैठकर ये नारे लगा रहे थे, गली गली में शोर है, मोदी चंदा चोर है, इस तरीके के नारे आज वहां लग रहे थे। और कई लोगों ने मुझे वो वीडियो दिया हुआ है, लेकिन वो अब कॉपीराइट का इश्यू भी थोड़ा सा है, इसलिए मैं उसको प्ले नहीं कर पाई। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि नारे तो एक से एक लगेंगे, लेकिन जो मोदी नारे लगेंगे, लेकिन नारे में ये झूठ, ये दिखावा, ये तमाशा, इस पे कायदे से चोट होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म पे चोट होनी चाहिए। ये बात सही है कि मोदी अकेले हैं इसलिए मोदी थकेंगे, इनके पास टीम नहीं, इनके घमंड ने किसी को नेता बनने नहीं दिया, और जब कोई नेता बनने की कोशिश, ये खुद ही नहीं चाहेंगे कि योगी जी मंच पे आ जाएं, राजनाथ सिंह मंच पे आ जाएं, गडकरी मंच पे आ जाएं, या और कौन आ जाएगा मंच पे इनके, तो इनके कारनामे ही इनको वो करेंगे। केवल इन सारी चीजों के बावजूद सीटों पे बहुत फोकस करने की जरूरत पड़ेगी मुझे लगता है, और सीट वाइज अगर रहेगा तो मुझे नहीं लगता विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है इस बार चीजों को मैनेज कर पाना या संभालना। आसान है, नैरेटिव बना रहना चाहिए, बिल्कुल नैरेटिव। और चार स्टेट गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ये चार स्टेट ऐसे हैं जिसपे अगर ध्यान दे पाए। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है गिरीश जी, जो बात अभी कही अनिल जी ने और दीपक ने भी, कि आज ईडी का शुक्राना करना चाहिए एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को, कि भाई ईडी उनको अगर गिरफ्तार नहीं करता इस तरीके से तो आज ये महाजुटान जो रैली हमने देखी वो नहीं दिखती। आज क्या ईडी के अफसर ये बात सोच रहे होंगे आज की रैली देखने के बाद कि हमने क्या गड़बड़ी कर दी, और आज क्या मोदी जी उनको तलब करेंगे, मोदी जी को क्या आज रात को नींद आएगी, मोदी जी आज कितने शांत, अशांत या बेचैन आपको लगता है कि उनकी बौखलाहट अब आज और बढ़ जाएगी इससे, और अब वो क्या करेंगे। कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस चीज को। जैसे मैंने आपको बताया, ब्यूरोक्रेट्स अपना रवैया बहुत जल्दी से बदल देंगे, और जहां तक गुजरात की मैं इनकी मॉडस ऑपरेंडी जानता हूं, ये ऑफिसरों को इनकल्केट नहीं करते, वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको पहले वो बिल्कुल खुला आसमान दे देते हैं कि आप ये करिए, ये डेवलपमेंट के नाम पर है, ये है। मैं आपको नाम के साथ दे दूं, कच्छ के जो कलेक्टर थे प्रदीप शर्मा, उनको पहले कर्टा ब्लैंचा दिया गया था कि आप डेवलपमेंट करना, भूकंप के बाद तो आप बिल्कुल जो करना करिए। अल्टीमेटली उन्होंने जो करा वो दैट वॉज टर्म्ड एज करप्शन, कि आपने इसका ये करने में पैसा लिया, वो करने में पैसा लिया। तो ये ऑफिसर जो डर के अभी वहां बैठे हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि जो नहीं डरा या तो वो नौकरी छोड़ के चला गया, तो जो डरे हुए अभी ये वही आदमी वही फाइल अपनी लेके फिर इंडिया गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे कि साहब हम तो नहीं करना चाहते थे, हम तो ये थे, अभी आप बोलिए, तो इनकी फाइलें भी तो उनके पास है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स तो अपने को बैलेंस कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अखिलेश जी ने जो एक बहुत ही अच्छा डायलॉग मारा था, वो देखिए दैट वॉज द लास्ट नेल, कि भाई रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है, जब भी यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग होती है ना तो गवर्नमेंट चली जाती है। तो वही जो बाबा रामदेव की और हुई थी, तो उन्होंने एक हिंट दे दिया कि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड एक बड़ा मीटिंग हुआ है, तो गवर्नमेंट को जाना है, वो इशारे में उन्होंने बोल दिया। चलिए, आज अच्छे अच्छे नारे लगे हैं, और भगवान मान ने जो कहा कि आंधियों से भी कह दो कि वो अपनी औकात में रहे, तो आज बहुत तरीके से आज मोदी जी को अलग अलग भाषा में, अलग अलग टोन एंड टेरर में बहुत सारा संदेश दिया गया है। तेजस्वी ने अगर उनको कंस कहा, तो उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो अंत में बहुत ही अच्छे से समझाया कि मोदी जी एक ऐसी पिच पर खेल रहे हैं और जहां पे वो ये उन्होंने चारों तरफ गड्ढे खोद दिए हैं, और अब कह रहे हैं कि लो भाई तुम क्रिकेट खेलो। तो ये जो एग्जाम्पल्स और छोटे छोटे जो एनालिजीज देकर आज सारे नेताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा है, ये वाकई में आम आदमी के लिए ये घर करेंगी। अभी तक ये कहा जाता था कि संविधान और लोकतंत्र ये बड़ा एक एकेडमिक डिस्कशन है, लेकिन आज उस एकेडमिक डिस्कशन को एक आम लोगों के लिए किस तरीके से अच्छे से समझाया गया है, आज वो इंडिया अलायंस के सारे लीडर्स ने इस काम को किया है। और मुझे वाकई में लगता है कि आज की रामलीला मैदान की इस महारैली के बाद देश का नैरेटिव तो बदलेगा ही, लेकिन साथ में क्या इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, आईटी के जो ऑफिसर्स हैं,
क्या उनकी आंखें खुलेंगी, क्या उनकी स्पाइन जगेगी, उनमें क्या चेतना आएगी कि भाई बस बहुत हो गया, अब हम मोदी को चैलेंज करेंगे, अब वो देखना बाकी है मुझे लगता है। और जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, जिस तरीके से लोग ग्राउंड पर जाएंगे, कैसे चीजें बदलती है, इस पर निगाहें टिकी होंगी। लेकिन आज की जो महारैली थी वो एक बड़ी हुंकार रैली और एक बड़ी चुनौती आज मोदी जी के लिए खड़ी हो गई है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अनिल सिन्हा जी, गिरीश जोशी जी, दीपक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।